डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने गुजरात से लगती सीमाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसडीएम ने बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान बनाकर जुर्माना वसूला है। डूंगरपुर जिले में डोर टू डोर सर्वे के बनाए गए प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपने क्षेत्र सुजा तलाई पहुंचे, जहां पर उन्होंने होम आइसोलेट मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के मोबाई गांव में कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर घर घर जाकर बांटा है। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सीईओ अंजलि राजूरिया ने चिखली क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्हें होम आइसोलेट मरीजों का जायजा लिया और पंचायत में भी बैठक ली है। डूंगरपुर जिले के हड़मतिया में ग्राम पंचायत स्तरीय कोविड कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चर्चा की गई। इधर थानागाजी में पुलिसकर्मियों का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया है। एयू बैंक के द्वारा किया गया है सम्मान। थानागाजी सीएससी पर भामाशाहों का निरंतर सहयोग जारी, ग्रामीणों ने भामाशाहों का आभार जताया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, शनिवार और रविवार के दिन कस्बे के सारे बाजार रहेंगे बंद। इधर रामगढ़ कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर को देखते ही थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने सफाई कर्मचारियों को लगवाकर तहसील परिसर से लेकर थाने परिसर तक की सफाई करवाई है। भरतपुर सांसद रंजिता कोहली शुक्रवार को कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर कठुमर सीएससी पहुंची और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसे लेकर आमजन को भी जागरूक किया गया है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई बर्बाद, लूण करणसर ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट तक हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश से नरमा की फसल हुई चौपट। नौका में कोरोना की रोकथाम के लिए नगरपालिका द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार में करवाया गया सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। लॉकडाउन में बेसहारा पशुओं के लिए आसोपा समाज की ओर से 21 दिनों से चारे और पानी की व्यवस्थाएं की जा रही। ग्राम पंचायत मुख्यालय गजनेर में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। कोलाया तहसीलदार हरि सिंह शेखावत ने दिए कोरोना को लेकर दिशा निर्देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव ने बारा क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों को कोरोना और ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दी। चरडाना सरपंच कृष्णा मुरारी दिलावर ने आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर ऑक्सीमीटर मास्क आदि का वितरण किया है। शाहबाद के समाज सेवी नीरज शर्मा ने कोरोना मरीजों को चिकित्सालय में आने जाने के लिए सुविधा के लिए खुद की गाड़ी दे दी है। रात्रि को कस्बे में किसी वृद्ध के बीमार होने पर कार से बारा भेजा गया है। बड़गांव में खेतों पर पड़ी नौलाइयों में आग लग गई, जिससे कई बीघा की नौलाइयां जलकर खाक हो गई है, जिससे मवेशियों के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। रायथल क्षेत्र में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बूंदाबांदी। पीपलखुंट के कचोटिया कोविड सेंटर पर करीब 100 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इधर राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधान समरथ मीणा और उप प्रधान कैलाश भाटी ने माल्यार्पण किया है। अनोद में एसडीएम ने कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम प्रकाश चंद आमजन को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। नगर परिषद सभापति आयुक्त पार्षद और नगर परिषद परिवार द्वारा पार्षद फिरोज खान के निधन पर नगर परिषद में शोक सभा आयोजित की गई, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। नागौर जिले के नाड़ा गांव के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने विधायक कोष से 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें भेंट की। नागौर जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मरीजों की पहचान और उपचार के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही एडीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड के जसनगर में तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने डोर टू डोर सर्वे किया और कोरोना के संबंध में जानकारी ली। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड के जसनगर में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगियों द्वारा चलाया जा रहा है डोर टू डोर सर्वे। नागौर जिले के थावला में गोरक्षा दल द्वारा गायों को हरा चारा खिलाया गया है। नागौर जिले के रियाबड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
नागौर जिले के परबतसर के निकटवर्ती गांव बाजवास के सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट पद पर तैनात विजय चौधरी ने कोरोना हेल्प ट्रस्ट में 11,000 की आर्थिक सहायता भेंट की है। नागौर जिले के परबतसर नगर पालिका द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के आदेश अनुसार मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत वार्ड वाइज टीमों का गठन किया गया है। राजकीय चिकित्सालय में संचालित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए महक फाउंडेशन द्वारा 180 पानी की बोतलें भेंट की गई है। इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने के साथ ही नगरपालिका कर्मी राजेश कुमार अनूठे अंदाज में कोरोना के प्रति घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इधर कोविड से जंग लड़ने में भारतीय सेना भी आगे आई है। सेना के सुदर्शन चक्र डिवीजन ने श्रीगंगानगर के जनसेवा हॉस्पिटल का विस्तार करके 50 बेड का कोविड अस्पताल की सुविधा शुरू की है। विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ के प्रयासों से राजकीय चिकित्सालय में 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का लोकार्पण किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी अस्पताल में मास्क वितरित किए गए और प्राथमिक उपचार किट भी भेंट की गई है। पालिका प्रशासन की टीम ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 2 दुकानों को सीज किया है और 11,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ नैनवा द्वारा सीएससी देई को 10 लीटर का एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भेंट किया गया है। तालेड़ा क्षेत्र के एक दर्जन गांव में तेज आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। 3 पॉली हाउस सहित एक दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए। लाखेरी कस्बे में 18 साल के लोगों में वैक्सीन लगवाने की होड़ मची हुई है। कस्बे के सीनियर स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए सुबह से भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। लाखेरी रोटेदा के एक जैन परिवार ने बुजुर्ग महिला के निधन पर मृत्युभोज और कपड़े बांटने की परंपरा को बदलते हुए 76,000 के चिकित्सकीय उपकरण अस्पताल को भेंट किए। इंदौली उपखंड के सुथर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 नाबालिग बालिकाओं का विवाह समारोह जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया है। बेगूसराय मुस्लिम समाज द्वारा कोविड हॉस्पिटल को 2 स्ट्रेचर और 5 ऑक्सीजन रेगुलेटर और 20 मास्क भेंट किए। बेगू के बारसोली थाना क्षेत्र के कनकपुरा जंगल क्षेत्र में 750 लीटर कच्ची शराब और 2 पुरानी भट्टियों को नष्ट किया गया है। भैंसरोडगंज के पूर्व बीजेपी ग्राम मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार जैन का कोरोना से निधन हो गया। भैंसरोडगढ़ मुक्तिधाम में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। रावतबाटा में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद सोहेल शेख ने वार्डों का सैनिटाइजेशन करवाया है। वार्डवासियों ने उनका आभार जताया है। रावतबाटा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर इंदिरा रसोई में 200 जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया है। विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने राशन सामग्री बांटी है। पाली के बाली में गाइडलाइन की पालना न करने और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन सुबह से ही सख्ती बरत रहा है। सभी के चालान काटकर कड़ी हिदायत भी दी जा रही है। पाली के फालना में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के बैनर तले रेलवे स्टेशन के बाहर काढ़ा वितरण का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का संदेश भी दिया जा रहा है। पाली में बेलार गांव के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा उपखंड में आरओ प्लांट लगाया गया था, लेकिन इस प्लांट के बंद होने के कारण ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली में सादड़ी के एक भामाशाह द्वारा अपने खेत से सूखी लकड़ियों को जेसीबी द्वारा ट्रैक्टर में भरकर शमशान घाट पहुंचाया गया है। भामाशाह द्वारा निःशुल्क दी गई लकड़ियों से मुर्दों को जलाने में सहायता मिलेगी। इधर देसूरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लांपी में कार्यरत स्काउटर महेंद्र सिंह गहलोत, अध्यापक मोहम्मद असलम, श्रीमती दाकू देवी, श्रीमती मंजू सैन एवं हाजीमल सोलंकी, एएनएम नाजिम बानो की टीम द्वारा कोरोना सर्वे कार्य के तहत तृतीय चरण का कार्य शुक्रवार को भैरूजी मगरी रोड, आंगनवाड़ी रोड, मेघोवालों का बांसो सहित काफी घरों का सर्वे किया गया। बिलाड़ा सहित आसपास गांवों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जनता जागरूक नजर नहीं आ रही। आम दिन की तरह सड़कों पर खरीदारी और घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। मिलाड़ा में कोरोना के संक्रमण के चलते पुलिस सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। बेवजह बाइक और गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चालान काटे जा रहे हैं। लगभग 200 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ओसिया विधायक दिव्या मद्रेणा ने मथानिया हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रतनलाल वेगर, तहसीलदार भंवर सिंह मीणा, भंवरलाल मीणा, डीसीएमओ नेहा चौधरी समेत प्रशासनिक अधिकारी, कांग्रेस के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। ओसिया कस्बे सहित ब्लॉक में कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्लॉक में आज भी 78 नए मामले सामने आए। ओसिया पुलिस थाने में जाली दस्तावेज बनाकर जेसीबी मशीनों को बेचने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तिमरी में 18 प्लस युवाओं का टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। युवाओं ने विधायक दिव्या मद्रेणा के दौरे के दौरान टीकाकरण करवाने की मांग की है। इधर जोधपुर के शेरगढ़ में गाइडलाइन की पालना करने और डोर टू डोर सर्वे के लिए ग्रामीण कोर कमेटी की बैठक ग्राम पंचायत गुमान सिंहपुरा और चाबा में आयोजित की गई है।
जोधपुर के शेरगढ़ में कोरोना के मामले कम हुए हैं, मगर चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपलिंग का दौर जारी है। जांच प्रभारी खुमाड़ा राम भील ने 87 ग्रामीणों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए जोधपुर एम्स अस्पताल में भेजा गया है। कोरोना के फलौदी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र जोशी द्वारा कोविड जागरूकता रथ के साथ ग्राम पंचायत बीछड़ी, कलरा और एका भाटिया का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जोधपुर के फलौदी तहसील सभागार में इंसिडेंट कमांडर यशपाल आहूजा की अध्यक्षता में कोविड जागरूकता और ग्रामीण वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक क्षेत्र के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ली गई। जोधपुर के फलौदी डिस्कॉम में श्रमिक संघ द्वारा जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जिलाध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित ने डिस्कॉम कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग की। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ में वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। मांडलगढ़ तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी ने वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया है। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में 18 साल से ऊपर के लोगों को लगा सीएससी पर पहला टीका। कोविड 19 टीकाकरण के लिए ऐप पर स्लॉट बुक करवाकर युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इधर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कोरोना काल के दौरान क्षेत्र में आए पॉजिटिव रोगियों को जीवन ज्योति सेवा समिति द्वारा मेडिकल संबंधित किट न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। चौसा के बसवा थाना पुलिस ने करनावर गांव से 7 किलो गांजे के साथ आरोपी मुरली लाल मीणा को गिरफ्तार किया है। चौसा के बहरावंडा गांव की निमड़ी वाली ढाड़ी निवासी भागचंद सैनी की पिछले दिनों टाइफाइड से मौत होने के बाद परिवार पर पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया। अब इलाके के युवा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर पीड़ित परिवार की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। दौसा के लालसोट में पुलिस लोगों को कोरोना के नियमों की पालना का संदेश दे रही है और सड़कों पर लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है। दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में मानपुर डिप्टी एसपी संतराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और नियमों के उल्लंघन पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर चौमू कस्बे में कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान साय सारी ने मेरा वार्ड मेरा परिवार अभियान की शुरुआत की। विधायक रामलाल शर्मा की अपील पर बीजेपी कार्यकर्ता सार्वजनिक और सरकारी इमारतों में सैनिटाइज कर रहे हैं। इधर चौमू में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा बीजेपी दफ्तर में खुद ही से सैनिटाइज करते नजर आए हैं। चौमू नगर पालिका द्वारा शहर में ट्यूबवेल करवाने के टेंडर निकालने पर बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चौमू केमिस्ट एसोसिएशन ने एसडीएम उपेंद्र शर्मा को 350 मेडिकल किट उपलब्ध करवाई है। ये दवाइयां उपखंड के जरूरतमंद लोगों को वितरित की जाएगी। गुडामलानी विधायक हेमाराम चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसपी पीएससी और कोविड 19 सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना के मरीजों की स्वास्थ्य की जानकारी ली। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने इस कोरोना महामारी में गायों को बचाने का जिम्मा उठाया है। युवाओं ने मिलकर बाबूजी राठौड़ गौशाला में गायों के लिए हर महीने हरे चारे की गाड़ी भेंट की है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बायतो विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए, जहां उन्होंने विभिन्न कोविड 19 सेंटर्स का जायजा लेकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने के निर्देश दिए। बाड़मेर में गुड़ामलानी के राजकीय अंबेडकर छात्रावास में कोविड 19 सेंटर के लिए भामाशाह आगे आए हैं और कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें और अन्य मेडिकल सामान भेंट किए। कोटपुतली में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजमार्ग स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कोटपुली द्वारा चलाए जा रहे मिशन आरोग्य स्क्रीनिंग अभियान के तहत एबीपी कार्यकर्ताओं ने बस्तियों में जाकर लोगों की जांच की है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया है। कोटपुतली में जोबने थाना पुलिस और तहसील प्रशासन ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिंगोनिया ग्राम पंचायत में 6 दुकानों को सीज किया और 2 दुकानों के चालान काटे। रेनवाल कस्बे में खटीक समाज की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर युवाओं ने पुष्पांजलि अर्पित की है। जयपुर के रेनवाल में कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए कुमावत समाज सेवा की ओर से 30 गद्दे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी और सीनियर नर्सिंग अधिकारी रमेश कुमावत को भेंट किए गए। बगरू कस्बे में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी और एईएम सत्यनारायण वर्मा के नेतृत्व में टीम ने नियम विरुद्ध खुले मिले 8 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 72 घंटे के लिए सीज कर दिया है। झुंझुनू के मंडरेला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पिलानी विधायक जेपी चंदेलियर के मुख्य आतिथ्य में उप तहसील में मनाई गई। झुंझुनू में ग्राम पंचायत मंडरेला के सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत ने सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर से उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से मिलकर एक ज्ञापन देकर मांग की है कि ग्राम पंचायत में चल रहे सीएससी के अधीन कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाए। झुंझुनू के कोलसिया में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर सर्वे कर रही है और खांसी जुकाम के रोगियों के चयनित कर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है।
झुंझुनू के सीथल में भामाशाह विमल पोद्दार की ओर से सरपंच संजू चौधरी और पंचायत समिति सदस्य सुमन के नेतृत्व में गांव के जरूरतमंद लोगों को लगभग 100 पैकेट राशन वितरित किए गए। झुंझुनू के सुल्ताना में कोरोना काल में लगातार ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों के लिए बालाजी कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा वाटर कूलर लगाया गया है। अजमेर के सरवाड़ सहित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई है। केकड़ी के उद्योगपति सोनू लोजा अजय दादीच ने अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा से उनके ऑफिस में मुलाकात की, दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। सरवाड़ में पूर्वांचल जनचेतना समिति और श्रीराम सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर, स्प्रे बॉटल, डिटॉल लिक्विड और उत्तम तकनीकी से बने मास्क वितरित किए गए। अजमेर के नाई में जीवनदायिनी समिति द्वारा अस्पताल में दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई हैं। अराई क्षेत्र के गोठियाना, ठिगारिया सहित आसपास के गांव में सुबह आई तेज आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। कई स्थानों पर विद्युत पोल टूट गए हैं तो कई जगह काफी नुकसान हुआ। जैसलमेर में रामदेवरा थाना क्षेत्र के छैड गांव में पुलिस द्वारा लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लोगों को जागरूकता और पुलिस के सहयोग से मारा जा रहा है, संक्रमण में कमी आई है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में अनियंत्रण होकर कार पलट गई, गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं लगी है।